टाटा की एक और नई एसयूवी और ये बैठेगी बिलो नेक्सॉन। हाँ जी, और इसका जो कोड नेम दिया गया है वो आपको कहीं ना कहीं सुनने में तो आया ही होगा, वो है टाटा की हॉर्नबिल। तो ये एसयूवी अगली साल लॉन्च होने वाली है, तो इस वीडियो में मैं सारी बातें बताने वाला हूँ इस एसयूवी में। क्या इंजन रहेगा, क्या प्राइसिंग रहेगी इसकी, क्या इसके डायमेंशन रहेंगे, कौन कौन सी फीचर्स आपको इसमें दिख सकते हैं और कब लॉन्च होगी ये, तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं निर्माण बैनर्जी टर्बो ड्राइव के नए वीडियो में आपको फिर से स्वागत करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, नीचे ऐसे लाल रंग का बटन है ना वो दबा देना नीचे, और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए घंटी का बटन जरूर दबा देना, नहीं तो उसके बिना आपको अपडेट्स नहीं मिलेगा। चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं पहले एक्सटीरियर के साथ। एक्सटीरियर में आपको देखिए, पहले आपको यहाँ पे एक स्क्वायर ऑफ स्टांस मिलने वाला है जो कि एक प्रॉपर एसयूवी वाली फील देती है। ये डिजाइन बेस्ड है टाटा की इंपैक्ट टू डिजाइन लैंग्वेज पे, मतलब काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन लैंग्वेज होगा इस कार में और काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्ट जो है वो देखने में आई है। और टाटा के जो पिछले ट्रेंड्स हमें पता चल रहा है, ये जो भी कंसेप्ट बनाते हैं ऑलमोस्ट वही व्हीकल हमें प्रोडक्शन वर्जन में मिलता है। भले आप टाटा नेक्सॉन की बात कर ले, भले आप टाटा हैरियर की बात कर ले, सब कुछ वही जो कॉन्सेप्ट व्हीकल है वही बेस्ड रहता है डिज़ाइन। तो यहाँ पे भी आपको जो कंसेप्ट व्हीकल दिख रहा है जो इन्होंने रेंडर किया था, सेम टू सेम यहाँ पे आपको मिलेगा डिज़ाइन लैंग्वेज, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन यहाँ पे टाटा की हॉर्नबिल। चलते हैं इंटीरियर में। देखिए इंटीरियर में वो एक्सपेक्टेशन मत रखिए जो आप कॉन्सेप्ट में रखते हैं, थोड़ी सी चेंजेस आपको, थोड़ी क्या, बहुत सारी चेंजेस आपको यहाँ पे देखने में मिलेगी। जो कॉन्सेप्ट में आपको डुअल स्क्रीन दिख रहा था, डुअल टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो आपको नहीं मिलेगा। ये एक बजट ऑफरिंग है, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको जो देखने को मिल सकता है वो है कि एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम तो रहेगा, और ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो रिसेंटली लॉन्च होने वाली है टाटा की ऑल्ट्रोज, उसके साथ शेयर होगी। बाकी जितने भी अलग अलग डैशबोर्ड लेआउट है और कंपोनेंट्स है वो सब भी टाटा की ऑल्ट्रोज के साथ शेयर होंगे, सीट्स वगैरह सब कुछ शेयर होंगे। क्योंकि यहाँ पे टाटा की एक एसोसिएट ने कह दिया है कि ये जो टाटा की हॉर्नबिल एसयूवी है ये अपनी 70% जो भी पार्ट्स है वो शेयर करेंगी टाटा की ऑल्ट्रोज के साथ। इतनी ज़्यादा पार्ट शेयरिंग जब आती है तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑल्ट्रोज एक है प्रीमियम हैचबैक और यहाँ पे टाटा की हॉर्नबिल जो है वो है एक एसयूवी। इतनी ज़्यादा तब पार्ट शेयरिंग आती है तब ये समझ में आता है कि ये कैसे पोजिशन करेंगे इस कार को, क्योंकि एक एसयूवी और हैचबैक में इतनी ज़्यादा पार्ट शेयरिंग पॉसिबल बहुत मुश्किल इंजीनियरिंग से किया जाता है। तो यहाँ पे टाटा को ये प्रूफ करना रहता है कि कैसे वो ये करेंगे वो उनके ऊपर है। लेकिन यहाँ में यहाँ पे एक अच्छी एसयूवी मिलने वाली है विद ऑलमोस्ट ऑल द प्रीमियम फीचर्स। डैशबोर्ड भी काफ़ी प्रीमियम होगा क्योंकि टाटा अल्ट्रोज एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर सीट्स डैशबोर्ड लेआउट ये सब प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी और टॉप नॉच रहेगा। यहाँ पे स्पेस की बात करें तो यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी अच्छा रहेगा, सिलेरी और यहाँ पे जो केयूवी है उसी के साइज़ का आसपास है, तो स्पेस भी आपको यहाँ पे डिसेंट मिलेगा। विंडो लाइन भी काफ़ी अच्छी थी, तो अच्छा स्पेशियस इंटीरियर आपको यहाँ पे मिलेगा। फीचर्स की बात करें तो देखिए फीचर्स के बारे में ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे कौन कौन सा फीचर रहेगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है इस सेगमेंट से वह कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये सारे फीचर्स तो आपको मिल जाएंगे। और टाटा अल्ट्रोज में जब लॉन्च होगी फिर मैं उसमें जो फीचर्स मैं बताऊंगा उससे भी अराउंड आधे से ज़्यादा फीचर्स जो अच्छे फीचर्स होंगे वो भी ले लिए जाएंगे। रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प शायद से मिस आउट हो जाएंगे, एलईडी डीआरएल्स वगैरह जो है वो यहाँ पे ऑफर की जा सकती है। अभी भी जो सनरूफ है वो शायद से यहाँ पे आपको नहीं दिया जाएगा टाटा की हॉर्नबिल एसयूवी में, क्योंकि बजट ऑफरिंग है और टाटा की उतनी अच्छी हमने देखी नहीं थी रेस्पॉन्स। अभी भी हैरियर में सनरूफ ऑफर होने वाली है, जो टाटा नेक्सॉन है उसमें भी ऑफर नहीं है, तो सनरूफ यहाँ पे आप ऑफर करने की उम्मीद छोड़ दीजिए। बाकी अच्छी रहेगी। बाकी फीचर्स के बारे में अगर कुछ भी अपडेट्स आता है तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा फीचर्स के बारे में, नहीं तो मैं अपने वेबसाइट पर अपडेट कर देता हूँ। वेबसाइट हमारा ज़रूर विजिट कीजिए, उसका भी नोटिफिकेशन आप चाहे तो ऑन कर सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे से भी मिल जाती है। चलते हैं इंजन ऑप्शंस आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए इंजन ऑप्शंस में यहाँ पे आपको डीजल नहीं मिलेगा। हाँ, टाटा ने ये कह दिया था कि वो अपने जो छोटे डीजल इंजन है वो कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। यहाँ पे डीजल ऑप्शन नहीं मिलने वाला, ये कार मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ। पेट्रोल इंजन आपको क्या मिलेगा, आपको वही रेवोट्रॉन इंजन मिलेगा जो आपको टाटा की टियागो में मिलती है, 1.2 लीटर की 3 सिलेंडर मोटर। वो काफ़ी अच्छी इंजन थी, हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम इधर उधर आती थी इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी, लेकिन काफ़ी पेपी इंजन थी और पावरफुल इंजन थी, तो वो इंजन यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। और सेम टू सेम इंजन टाटा अल्ट्रोज में भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने टाटा अल्ट्रोज का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जाइए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे टाटा अल्ट्रोज के बारे में, वहाँ से आप जान सकते हैं। तो 1.2 लीटर की इंजन जो रहेगा टाटा टियागो का, वही इंजन यहाँ पे टाटा अल्ट्रोज में, और
टाटा हॉर्नबिल में ये दोनों तीनों कार्स में यूज़ होने की पूरी पूरी संभावना है। तो वही इंजन का अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी तगड़ी रहती है। मैं सारे फिगर्स आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी रहेगी इंजन परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी के भी मामले में। तो फिर आ जाते हैं इसी कॉम्पिटिशन क्या रहेगी और प्राइस क्या रहेगा। देखिए प्राइस पहले मैं बता देता हूँ, प्राइस इसमें एक्सपेक्टेड ये है क्योंकि यहाँ पे टाटा की टियागो भी सेल होती है, तो टाटा की टियागो अराउंड 4.4 लाख के आसपास, 4 लाख के आसपास स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे अगर टाटा हॉर्नबिल जो है इसकी डायमेंशंस और जो पार्ट शेयरिंग का जितना भी अभी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया है, तो एनालिसिस के हिसाब से मेरे को लगता है कि 5 लाख के आसपास इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए यहाँ पे। और ये प्राइसिंग शायद से 5 लाख से पेट्रोल है तो 7 लाख तक जाएगी, ये प्राइस बैंड में ये सेल हो सकती है। जबकि एक और मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि ये अगर ये चाहे तो इसको और कार को छोटा कर सकते हैं डायमेंशंस में, और ये एज एन एंट्री लेवल ऑफरिंग कर सकते हैं। और मारुति सुजुकी एस्प्रेसो जो निकलने वाली है ना सितंबर में लॉन्च होगी, डेट कंफर्म हो गया, तो वो दोनों कार्स को भी कंप्लीट कर सकती है ये। पूरी पूरी संभावना ये लग रही है कि ये जो है ये मेनली सेलेरियो या इग्निस जो है इन सब की कंपटीशन में आती है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी में आएगा क्योंकि टाटा अल्ट्रोज के साथ पार्ट शेयरिंग हो रही है, मतलब प्रीमियम रहेगा कार, बजट ऑफरिंग नहीं रहेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 5 to 7 लाख रहेगा और इसकी कंपटीशन में आएगी वो सारी हैचबैक्स और सारी माइक्रो एसयूवीज, देखिए इग्निस सेलेरियो ये सब तो है ही, ये सब छोड़ दीजिए, इग्निस सेलेरियो KUV 300 ये सब है, बाकी आ जाएगी फोर्ड की फीगो आ जाएगी, मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, ये सब भी इस जो कंपटीशन है मेनली जो बी सेगमेंट हैचबैक्स है वो सब भी इसमें आ जाएंगी। तो काफ़ी अच्छी स्पाइस बन जाएगी एक हैचबैक वर्सेस माइक्रो एसयूवी, और यहाँ पे ये एसयूवी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करेगी, बाकी दूसरी एसयूवीज की तरह मुझे नहीं लगता यहाँ पे ये निराश करेगी हमें, तो काफ़ी अच्छी पैकेज रहेगी। तो आप इस एसयूवी के लिए अगर वेट करें तो इसका जो लॉन्च डेट रहेगा वो थोड़ा सा लेट है, टाटा ने कन्फर्म कर दिया कि ये पहले अल्ट्रोज लॉन्च करेंगे फिर बजट लॉन्च करेंगे, जो टाटा की हैरियर की 7 सीटर वर्जन है ना वो लॉन्च करेंगे, फिर उसके बाद ये टाटा की ये हॉर्नबिल एसयूवी जो है वो लॉन्च करेंगे। तो ये जो है इसका एक्सपेक्टेड डेट रहेगा लेट 2020, मतलब अभी भी आज से 1-1.5 साल पहले बाद लॉन्च होगी ये कार। तो फिलहाल देखते हैं कब लॉन्च होती है, लेकिन तो इसीलिए अभी थोड़ा सा टाइम है टाटा हॉर्नबिल को आने में, अभी भी ज़्यादा टेस्टिंग हमें देखने को कहीं मिली नहीं है, टाटा हॉर्नबिल अभी भी ये तैयार कर रहे हैं कार को, तो फिलहाल 1-1.5 साल में तैयार हो जाएगी, तब एक काफ़ी अच्छा तगड़ा कॉम्पिटिशन आपके लिए यहाँ पे रहेगा। सेफ्टी पैक्स भी काफ़ी सारे रहेंगे, पूरा शायद से 2 एयरबैग्स या 4 एयरबैग्स यहाँ पे ऑफर किए जा सकते हैं, पूरी पूरी सेफ्टी पैक्स सब कुछ रहेगा इस कार में आपके लिए। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।